हलाली डैम रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर कार से घर जा रहे पिता पुत्र को रास्ते में रोक कर किए फायर, युवक घायल, 8 पर मामला दर्ज। मंगलवार की देर रात सलामतपुर से अपने घर पौआ नाला जा रहे पिता पुत्र पर हलाली डैम रोड पर रोक कर कट्टे से फायरिंग की वारदात को लगभग 8 लोगों ने अंजाम दिया है। मौके पर लगभग 4 कारतूस चलाए गए हैं, जिसमें से 3 कारतूस कार के गेट पर लगे और 1 कारतूस युवक के हाथ में घुस गया। घायल युवक को पहले सांची स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से युवक को रेफर कर भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने बुधवार को 8 आरोपियों पर 307, 341, 34 का मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच हलाली डैम रोड पर सलामतपुर से पौआ नाला अपनी कार से जा रहे काजी शाहिद अली और उनके पुत्र ओसामा अली को हलाली डैम रोड पर पौआ नाला पंचायत के रोजगार सहायक ने हाथ देकर रोका। फिर झाड़ियों में छुपे हुए अन्य साथियों ने कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कार के कांच को तोड़ते हुए 1 कारतूस ओसामा अली के हाथ में घुस गया। फरियादी शाहिद अली की रिपोर्ट पर राजकुमार अहिरवार, लाल बहादुर मीणा, धनराज तिवारी, भूपेंद्र गुप्ता, आशु उर्फ आशीष शर्मा, मंगल माली, हरिनारायण माली और रूप सिंह पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। पर से थोड़ी देर पहले तो रास्ते में वहाँ सेक्रेटरी ने रोक के वो कुछ लड़के गांव के ही आए थे इकट्ठे, अंदर रोड के नीचे से निकल के फायरिंग चालू कर दी। क्या गोली मारी? हाँ, गोली। कौन लोग थे? गांव के ही थे। कौन से गांव के? पौआ नाला गांव के। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 10-1 बजे के टाइम। क्या नाम है आपका? उसामा अली।